सरनाज वो नाम है, वो शख्सियत है जिसे भुलाए नहीं भुला जा सकता है, और इस बात का एहसास टाइम टू टाइम हो ही जाता है क्योंकि लोग हमें याद दिला देते हैं। अब ऐसे में तहसीन पूनावाला सरनाज को याद करते नजर आए हैं। जी हाँ, अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने सिद्धार्थ और शनाज दोनों को लेकर बातचीत की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया था, जब सिद्धार्थ के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ सिद्धार्थ मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा, सकते में हूँ। मैं जब बिग बॉस के घर में जाने वाला था तो मेरे जितने भी करीबी, इवन मेरी वाइफ, वो भी सिद्धार्थ की फैन है, एंड हमने बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। हम मोस्टली बातें करते थे, हम दोनों अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं बट स्टिल हम बाहर की बातें करते थे, और बाहर आने के बाद भी हम एक दूसरे के कनेक्शन में थे, और दो तीन दिन पहले भी हमारी बातचीत हुई थी और वो सच में दिल तोड़ने वाली बात थी। तो वहीं शहनाज के बारे में भी वो कहते नजर आते हैं कि शहनाज भाई उस लड़की की एनर्जी अलग होती है। शहनाज वो पहली इंसान है बिग बॉस के घर में जिससे मेरी मुलाकात हुई, वो दौड़ते हुए बाहर आई और मुझसे मिली। मैंने उसको बोला था कि तुम्हें अभी बेशक लोग पंजाब की कटरीना कैफ बुलाते हैं, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें कहेंगे कि तुम इंडिया की शहनाज गिल हो और लोग तुम्हें सिर्फ शहनाज गिल के नाम से जानेंगे। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बात सच हो गई है और शहनाज गिल बहुत अच्छा कर रही है। बिग बॉस में आई, बहुत ही इमोशनल मोमेंट थे कुछ एक, और उसके फैंस और सब यही सपोर्ट करते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि हाँ, उसे अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना है और बेहतर करना है, और वो कर रही है। मैं बस उसके लिए अच्छी बातों की दुआएं करता हूँ। और इस तरीके से तहसीन पूनावाला सरनाज को एक बार फिर से याद करते नजर आए और कहा कि बेशक वो इतने करीबी ना रहे हो, लेकिन वो उनके दिल के बहुत करीब हैं। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।